दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब एनआईए भी जांच कर सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजेसी फंडिंग के कथित मामले में सीएम के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने एसएफजेसी फंडिंग ली है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी उसके 2 से 3 दिन बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था जिसमें कथित तौर पर जो एसएफजी का आतंकी जिसे खालिस्तानी पन्नू है उसने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में वो साफ तौर पर यह बतला रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने उसकी तरफ से फंड लिया है और इसलिए लिया था ताकि पंजाब में सरकार बनने के बाद और दिल्ली में वो उनकी मदद कर सकें। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश को बीजेपी की तरफ से बौखलाहट करार दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी को हार के डर से जो है वो बौखला चुकी है इसलिए एलजी तरीके तरीके से अब आम आदमी पार्टी को घेरने के नए नए पैंतरे ढूंढ रहे हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश उस शिकायत की बात की है जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने सिख फॉर जस्टिस से 1.6 करोड़ डॉलर लिया है। शिकायत के मुताबिक खालिस्तान समर्थक समूह ने यह फंडिंग इसलिए की ताकि आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई में मदद किया जा सके और खालिस्तान समर्थक जो भावनाएं हैं उनको उभारा जा सके, उनमें तेजी लाई जा सके। आपको बता दें भुल्लर 1993 के दिल्ली बम ब्लास्ट केस का दोषी है। एलजी के आदेश के मुताबिक इस मामले में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की तरफ से शिकायत दी गई थी। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे अपने खत में एलजी सक्सेना ने प्रतिबंधित एसएफजे के सरगना और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक कथित वीडियो का भी जिक्र किया है जिसका पहले हमने चर्चा कर दिया है। कथित वीडियो में पन्नू ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से तकरीबन 1.6 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल की है। मोंगिया ने 1 अप्रैल को एलजी के पास शिकायत भेजी थी। अब देखना यह होगा कि क्या ईडी के बाद एनआईए भी केजरीवाल को उठा ले जाएगी क्योंकि अभी फिलहाल वो जेल में बंद हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इसके पहले देखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी जिसमें उसने कहा था कि मुझे लग रहा है कि अब केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर उनको बेल दी जा सकती है और उन्होंने ईडी से जवाब मांगा था कि किन विरोधों के जरिए आप उनको गिरफ्तारी जो उनकी हुई है उसको किया है आपने, क्या चुनाव के मद्देनजर उनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसा क्यों किया गया है। ये सारे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं उनके बीच में एनआईए के लिए भी अब सिफारिश कर दी गई है। ऐसे में आपकी क्या राय उसे कॉमेंट बॉक्स के जरिए जरूर हम तक पहुँचाएं और मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह, देखते रहें वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।